जाना। हाँ हो जाऊँगा अभी, वहाँ पर भी ले जाओ, अभी जाऊँगा ले जाना। आई हो रही है भाभी नमस्कार से। राम राम पंडित जी। आपको वोट डाल दिया? मेरा फर्स्ट वोट था और मुझे काफ़ी अच्छा। कैसे क्वालिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, मैं चाहती हूँ कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए वैसे तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूव करा है, बट अभी भी कुछ जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है वुमेंस की, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे भी थोड़ी अवेयरनेस। मैं किशन सिंह शैली अभी मतदान करके आ रहा हूँ। मैं मुझे बड़ा हर सुबह मैंने ठंड में मतदान किया और लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान के प्रति, और मैं आने वाली सरकार से हालांकि विकास हो रहा है ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो मुद्दे अभी अछूते रह गए हैं उन पर सरकार काम करे और महंगाई कंट्रोल हो, नौजवानों को रोज़गार और नौकरियां मिले, बच्चों को। क्या संदेश देना चाहेंगे नई सरकार के करने के लिए? संदेश यही देना चाहेंगे कि पढ़े लिखे वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां मिले और प्राइवेटाइजेशन रोका जाए और पब्लिकाइजेशन होना चाहिए। अमृता मदानी, आप ये बताइए कि आज ये पहला वोट है आपका? नहीं, दूसरा वोट। अच्छा, अभी आप ये बताइए कैसी सरकार चाहती हैं आप? जो सरकार लोगों की बात सुने, जो उन्होंने वादे किए हैं वो ढंग से पूरा करें, और अच्छी चीज़ें जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं आगे जाके और कंपनियां इंडिया में आए, जैसे अभी की सरकार भी कर रही है और कंपनियां आएँ और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़े, वो सब कुछ अच्छे से करें। एजुकेशन के हिसाब से क्या चाहती हैं आप? एजुकेशन सिस्टम थोड़ा हमारा इम्प्रूव हो, जैसे कि कौन सी क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन कैसे पढ़ रहा है, सब कुछ अच्छे से इम्प्रूव हो, और जो टेस्ट आ रहे हैं नए नए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टेस्ट आए, जिससे कि और लोग नई नई चीज़ों में अपना अच्छे से अप्लाई चाहते हैं। ऐसी सरकार हो जो मतलब लोगों की सुने और मतलब जो वादे करे उसको पूरा करे, मतलब एक तरीके से मुकरे ना अपने वादे। आइए, पहला वोट है आपका? हाँ जी। वोट देने आए हैं। वोटिंग कैसे चल रही है यहाँ पर? वोटिंग सही चल रही है, अभी भीड़ कम है। सर यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसा इलेक्शन चल रहा है? सबसे पहले तो हमारी आज जो लोकसभा है उसमें आज ही मतदान है 19 अप्रैल को, तो सभी जो हमारे वोटर्स हैं उनसे अपील है कि आप प्लीज़ वोट डालें, जरूर आइएगा। बूथ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, पिंक बूथ भी बनाए गए हैं हर विधानसभा में, दिव्यांगजन बूथ्स भी बनाए गए हैं, साथ साथ जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी सुविधा के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करी गई है, उनको चलाने के लिए जो एक वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।